सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड़े खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तुम इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं? नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। विक्की कौशल की फिल्म सेम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। टीजर की तरह विक्की इस बार भी छा गई है। उन्होंने दमदार एक्टिंग की है, इस फ्रेम में वो शानदार लगे हैं। भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ की ये बायोपिक सिनेमाघरों में 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। विक्की कौशल की मच अवेटेड मूवी सेम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। टीजर में उसने दमदार अवतार की झलक पेश की है, पहले ही देख चुके हैं। अब ट्रेलर में विक्की ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। भारत के पहले फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ की किरदार में उसने नज़र हटाना मुश्किल है। हर फ्रेम में वो दमदार लग रहे हैं। ट्रेलर में विक्की की बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और फील्ड मार्शल के रोल में उनका टशन आपको उनका एक बार फिर से फैन बना देगा। सेम मानेकशॉ के किरदार में उन्होंने खुद को पूरी तरह ढाल लिया है। अपने करियर में विक्की ने अब तक कोई चैलेंजिंग रोल निभाया, मगर उनका ये किरदार हमेशा याद रह जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रेलर का पॉजिटिव सस्पेंस मिल रहा है। यूजर्स एक्टर की तारीफ करते बंद नहीं हो रहे हैं। मेघना गुलजार के निर्देशक में बनी ये मूवी सेम मानेकशॉ की बायोपिक है। वो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। सेन ने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो सेम मानेकशॉ ही थे जिसके बदौलत भारत ने जीतें हासिल की थी। मूवी में फातिमा सना शेख, नीरज काबी, सैनिया मल्होत्रा, जिशान आयुब अहम रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म 1 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी। सेम बहादुर को मेघना ने लंबी रिसर्च के साथ बनाया है। इसे बनने में 7 साल लग गए थे फिल्म को।